इस 15 दिन में दो बड़ी कार्रवाई हुई है। वो बड़ी कार्रवाई हम इसलिए बोल सकते हैं कि नॉर्मली बार में तो कार्रवाई होती है, 294 लग जाता है, उसके बाद जो है ये हो जाता है। लेकिन इस दो बार में जैसे 10 दिन पहले जो है सी मैजिक में ऐसी ही कार्रवाई हुई जहां आपने कैविटी को ढूंढ के निकाला, कैविटी से लड़किया जहां पे धोखा मतलब जान का धोखा होता है, और वैसा ही कार्रवाई प्राइम बार में हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इस तरह से और भी बार में कार्रवाई होगी? हाँ, जैसे आपने बोला वैसे हमने यहाँ पे एक हमारी इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के तहत हमने कार्रवाई की है। वहाँ पे इन्होंने जो लाइसेंस का जो टर्म कंडीशन है उसका वायलेशन किया है, कुछ इसमें क्रिमिनल एक्ट भी है, तो मुझे लगता है कि इसलिए हमने ये दो ऑर्केस्ट्रा बार पे कार्रवाई की है। फ्यूचर में ऐसी कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, अगर उन्होंने उनके लाइसेंस का जो टर्म्स कंडीशन है उसका वायलेशन किया या अगर कुछ क्रिमिनल एक्ट किया तो इसमें निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज़ देखने को आया है कि जैसे बारों पे कार्रवाई होती है, नो डाउट कार्रवाई हो रही है, जब से अतुल कुलकर्णी सर आए हैं तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कार्रवाई होती है फिर चार दिन के बाद वही सब चालू हो जाता है। इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होता है? जैसे कैविटी तोड़ी जाती है फिर उसमें कैविटी बन जाता है, मतलब ऐसे सालों पहले सी मैजिक में एक कैविटी तोड़ा गया था फिर वो बन गया, ऐसा क्यों होता है? अब इसमें निश्चित तौर पर हम रूटीन इसमें चेक रखेंगे, कैविटी एक बार तोड़ी तो उसके बाद निश्चित तौर पे वो बनना नहीं चाहिए, इसमें हम लोग वॉच करेंगे, अगर मिलती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे और आगे चल के इसमें देखें कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो। हाँ, तो ये एक बार से ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये हम निश्चित तौर पे करेंगे, इस पर आप कार्रवाई करेंगे। और कोई एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज और बार वालों के लिए? यही है कि अगर आप इलीगल कुछ काम कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है अगर इलीगल तरीके से चल रहा है, टर्म कंडीशन आप फॉलो नहीं कर रहे, कुछ क्रिमिनल एक्ट कर रहे, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका प्रशासन की ओर से निश्चित तौर पे हम हेवीली वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। सर, आप मीरा भायंदर के जो है आयुक्त हैं, ये सारा चीज़ आपके इसमें आता है कि कहीं पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो वो तो एक बार नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के जो तहखाने बनाए जाते हैं जहाँ पे लड़कियों को, यानी एक ज़िंदगी ही है जहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं होती है, वहाँ पे उसको लड़कियों को छुपाया जाता है, ऐसे तहखाने मिलते हैं, इस पर आप क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जो भविष्य में इस तरह के तहखाने दोबारा ना बने? देखिए, अभी मीरा भायंदर शहर में जो गैर कानूनी कृत्य होते हैं और जो बाहर में या लॉज में इंटरनली मॉडिफिकेशन किया जाता है जहाँ की ह्यूमन सेफ्टी नहीं होता है और लोगों को वहाँ रखा जाता है इंस्पेक्शन के टाइम में, ऐसे जगह का जॉइंट सर्वेक्षण हमारे एसपी साहब और हमारे महापालिका की तरफ से कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ ऐसा आइडेंटिफिकेशन होगा गलत करते जहाँ दिखाई देंगे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर हम कार्रवाई चालू है और ये कार्रवाई सतत इसके आगे भी रहेगी। सर, ये कंस्ट्रक्शन जब भी होता है, जब भी अंदर जो है, इस पर मनपा के अधिकारी क्यों नहीं स्ट्रांग मतलब नज़र रखते हैं, ध्यान देते हैं, जो इस तरह के अगर तहखाने नहीं बने तो मुझे लगता है बहुत सारी बुराई तो ऐसे ही कम हो जाएगी। जहाँ ऐसे कृत्य छुट्टी के दिन और स्ट्रक्चरल के अंदर करते वो दिखाई नहीं देते, और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर हम कानूनी MRTP के अंदर गुनेह भी दाखिल करेंगे जहाँ जहाँ ऐसा कृत्य हुआ, और ऐसा कृत्य मल्टीपल टाइम में अगर दिखाई देता है तो वहाँ लाइसेंस रद्द करने की भी हम सिफारिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया था कि जैसे SP सर आए उन्होंने ये आदेश दिया है कि कोई भी इलीगल गतिविधि हो उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो, नो डाउट उसको देखते हुए आप कार्रवाई करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं पर कोई दिक्कत भी आती है क्या सर? हाँ, नहीं, हमारे SP सर हमको आदेश दिया है कि पूरा जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है बाहर के, खास करके बाहर जो कैविटीज़ है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोले हैं, और SP सर, कमिश्नर सर इधर खुद कैविटी तोड़ने के लिए मौजूद है। 10 दिन में हमने दो कैविटी निकाला है, सी मैजिक और इधर प्राइम होटल। इधर ये आप वीडियो में देख सकते हो कि ये बहुत ही खतरनाक कैविटी है। इधर यस, मैं रोकना चाहूँगा, मैंने देखा था वो बहुत अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, वो आपने कैसे ढूंढ के निकाला? एक्चुअल में बार में कार्रवाई होती है, कैविटी नहीं मिल पाती है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बधाई दूंगा कि आप कैविटी ढूंढ के निकाल लेते हो। यस, हमको एक थोड़ा क्ल्यू था कि ये जो भी कहाँ इलीगल एक्टिविटीज है, कहाँ लड़की उधर से छुप के पीछे जाती है, हमको थोड़ा आइडिया था और हमने थोड़ा क्ल्यू निकाला कि इधर कैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है। अब वीडियो में देख सकते हो कि सी मैजिक में पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम था और इधर भी इधर खतरनाक, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पूरा कैविटी है और पीछे से भी उनका जगह छुपने के लिए भी है, तो हमने पूरा इधर ढूंढ के वो सब कार्रवाई अभी कर रहे हैं हम।
सर, क्या और बार की भी आपके इसमें है, रडार में है, जहाँ पे इस तरह की कैविटीज़ है? यस, हमारा अभी सभी मौजूद सभी बार में ऐसे कैविटीज है, हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है। मैं सभी बार ओनर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है थोड़ा बंद कर दीजिए, और नहीं तो कार्रवाई होगा ही। यानी आपका मैसेज है उनके लिए कि अगर आपके पास कुछ किसी तरह का तहखाना है ये, तो उसको खुद से आप कर लीजिए, नहीं तो हम ढूंढ के कार्रवाई करें। यस, ज़रूर। थैंक यू सर।